Come, there is a mine for the silver, and a place where they will find gold. Iron is taken out of the earth, and bronze is melted out of the stone. He sets an end to darkness, and to every extremity he searches out the stones of darkness and the shadow of death. He opens a shaft from the heart of the visitor. They are forgotten by man's foot. They hang far away from man. They swing to and fro. As to the earth, out of it comes bread, and underneath it is turned up like fire. Its stones are the places of sapphires, and it has dust of gold. There's a path which no bird knows. Nor has the vulture's eye caught sight of it. The sons of pride have not walked on it. The lion has not passed by. Verse 8. Thank you, Uncle. राजेश 12 पद को जरा पढ़ सकते हैं वहां पर हिंदी में? परंतु बुद्धिमानों सही है, परंतु बुद्धियों कहाँ मिलती मिल सकती है, और समझ का स्थान कहाँ है? थैंक यू। परमेश्वर इन पढ़े वचनों पर आशीर्वाद दे। अभी यहाँ हम लोग बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं। ये 28 अध्याय पूरे बुद्धि के विषय में लिखा है। बुद्धि क्या है और कैसे है, कुछ सोच अय्यूब हमारे सामने रखता है। और वो 12 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है। तो किस प्रकार का बुद्धि का तलाश में है अय्यूब, क्योंकि जो संकट उसके जीवन में आया है उसके वजह से एक प्रकार का अंधेरा है उसके जीवन में। और क्यों यह हुआ है बहुत बड़ा प्रश्न है उसके जीवन में, क्यों ऐसा दुख मुझे देखने को मिलेगा। तो वो बुद्धि किस प्रकार का है वो 3 पद में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। मनुष्य अंधियारे के को दूर कर, दूर दूर तक खोद खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। तो ये बुद्धि इस प्रकार का है जो रोशनी या प्रकाश ला सकता है या ज्योति दे सकता है, इस प्रकार का बुद्धि की तलाश में है। और वो आम तौर पे मिलता नहीं है, उसको खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। ये बहुत ही खोल जगह में रखा है। यहाँ पर 4 पद में हम लोग देखते हैं कि जहां लोग रहते हैं वहां से दूर वे खानी खोदते हैं, वहां पृथ्वी पर चलने वाले के भूले बिसरे हुए वे मनुष्य से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। तो खानी में इसको मिलता है, खानी जो है जमीन के बहुत ही गहराई में खोदने के बाद ही वो मिलता है। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है उस वहां तक पहुंचने के लिए, मतलब लगभग 1 किलोमीटर अंदर तक खोदना पड़ता है, 1 किलोमीटर से ज्यादा भी हम लोगों को अंदर खोद के वो चीज को मिलता है। और जो कुआं खोदते हैं वो लोग जानते हैं कि कितना काम मेहनत है, लेकिन वो कुआं खोदने के लिए वो कितना 30 मीटर से ज्यादा तो नहीं होगा, या 50 मीटर से लगभग वो कुआं को खोदना पड़ता है। लेकिन सोने को पाने के लिए वो बहुत ही गहराई में आपको जाना पड़ता है उसको पाने के लिए। तो बहुत मेहनत का काम है उस बुद्धि को भी प्राप्त करने के लिए। और इस प्रकार से भी हम लोग देखते हैं बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, स्कूल जाकर वो थोड़ा बुद्धि थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और स्कूल के बाद फिर कॉलेज, फिर कॉलेज के बाद कोई और भी पढ़ना चाहता है डॉक्टरेट लेवल तक भी पहुंचते हैं। तो क्या इस प्रकार का बुद्धि के तलाश में है अय्यूब या कुछ और चीज के तलाश में है? और ये बुद्धि बहुत ही मौल्यवान है, इट्स वेरी प्रेशियस। और थोड़ा 14 पद को पढ़ो हिंदी में। सागर कहता है वह मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। हाँ, तो ये सागर के पास भी नहीं है और समुन्द्र के पास भी नहीं है, और बहुत ही गहराई में ये छिपा हुआ है। 10 पद में ऐसा लिखा है वह
चट्टान खोदकर नालियां बनाता और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। तो ये बहुत ही अनमोल वस्तु है, ये बुद्धि जिसके पीछे अय्यूब खोज रहा है या भाग रहा है या चाहता है, बहुत ही मूल्यवान है। और ये प्रकाश लेकर आता है, 11 पद में हम लोग देखते हैं, वह नदियों को ऐसा रोक दे देता है कि उनसे एक बूंद भी पानी नहीं टपकता, और जो कुछ भी छिपा है उसे उजियाला में निकालता है। जो कुछ भी छिपा हुआ है वो उजियाला में लेकर आता है। और आयुब के जीवन में क्या अंधकार में था, वो बड़ा प्रश्न था कि क्यों ये संकट मेरे जीवन में आया। तो वो एक अंधकार का विषय उसके था, उसके जीवन में था, और उसको समझने के लिए कुछ रोशनी, कुछ प्रकाश का जरूरत है उसको। और ऐसा बुद्धि जहां पे समझ पा सकता है, 12 पद में हमने वो बात को पढ़ा कि परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है। तो वो बुद्धि में समझ है। क्यों ये समस्या है, क्या कारण से है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, तो वो समझना चाहता है कि क्यों ये संकट आया उसके जीवन में। और ये ऐसा बुद्धि भी है जो आपको मृत्यु और नरक से भी बचा सकता है। 22 पद को पढ़ो, वर्स 22। विनाश और मृत्यु करती है, हमने उसकी जब सुनी है। हाँ, विनाश और मृत्यु, इंग्लिश में एबेडॉन एंड डेथ। और ये एबेडॉन जो है हम लोग नरक कह सकता है, नरक और मृत्यु दोनों इसको खोजते हैं या इसके बारे में सुना है, और उससे हम लोग बच सकते हैं। ये बुद्धि अगर मैं प्राप्त करूंगा, मैं उस नरक और मृत्यु से भी बच सकता हूं। तो ऐसा कहां पर ये बुद्धि हमको मिलेगा, और इस बुद्धि का इस्तेमाल परमेश्वर भी करता है। ये 23 पद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर भी इस प्रकार का बुद्धि इस्तेमाल करके संसार को बनाया, इस दुनिया को बनाया। वो 23 पद हम पढ़ रहे हैं यहाँ हिंदी में, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। तो परमेश्वर भी इस बुद्धि का उपयोग करता है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, बहुत ही बुद्धि से परमेश्वर ने इस संसार को बनाया। तो वो बुद्धि मुझे कहाँ पर मिलेगा, स्कूल में मिलेगा, कॉलेज में मिलेगा, यूनिवर्सिटी में मिलेगा, या कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर ये बुद्धि हमको मिलता है। और इस अध्याय में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मौल्यवान चीजों के बारे में लिखा है, और ये 12 अलग प्रकार के मौल्यवान पत्थर है और मणिक है। तो इस प्रकार के मौल्यवान जैसा चांदी 1 पद में लिखा है, सोना वो भी 1 पद में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, लोहे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पीतल के बारे में 2 पद में हम लोग पढ़ते हैं, सफायर या नील मणि उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फिर चकमक के पत्थर ये 9 पद में हम लोग पढ़ते हैं, फिर ऑइंट्स या सुलेमानी पत्थर ये 16 पद में हम लोग पढ़ते हैं, कांच के बारे में, या अभी ये अय्यूब के जमाने में कांच भी बहुत ही महंगा महंगा है, और 1,700 डिग्री के आग में बालू को पिघलना पड़ता है तब वो कांच बनता है। बहुत ही गर्म हीट, मतलब ये ताप उसको देने देने के बाद ही कांच मिलता है। इसलिए ये भी एक मौल्यवान चीज है। अय्यूब के जमाने में, मतलब 4,000 साल पहले, कांच भी बहुत ही महंगा था। ये 17 पद में हम लोग कांच के बारे में भी पढ़ते हैं, फिर कोरल स्टोन्स या मूंगे, ये लाल रंग का एक पत्थर है, आप गूगल सर्च कीजिए तो इसके बारे में भी आपको दिखाई देगा। ये बहुत ही मौल्यवान पत्थर है।
इसके बारे में 18 पद में हम लोग पढ़ते हैं। फिर क्रिस्टल या स्पटिक स्पटिक मणि, ये 18 पद में हम लोग पढ़ते हैं। फिर मणिक के बारे में भी 18 पद में हम लोग पढ़ते हैं। और 19 पद में टोपाज या पुखराज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो 12 अलग प्रकार के पत्थर है, इज दैट राइट? टोपाज, पुष्पराज, पुष्कराज, पुष्पराज, पुष्पराज, नॉट पुखराज। हाँ, मीन्स पुष्पराज, टोपाज मीन्स पुष्पराज। ओके, दैट माइट बी राइट। देयर इज अनदर वर्ड, अनदर वर्ड इन दैट द, थोड़ा 19 पद को पढ़िए हिंदी में, इसमें क्या लिखा है, टोपाज क्या है, या नेपाली में भी पढ़ सकते हैं। केम फ्रॉम संस्कृत पुष्पराज। पढ़ो पढ़ो दैट वर्ड, कुछ देश के उस देश के पद्मराग, पद्मराग पद्मराग, उसके तुल्य कोई नहीं छू सकते। पद्मराग पद्मराग, ओके, पुष्कराज। इजी टू बी हाँ, पद्मराग। पुष्कराज, ओके, अंकल जो कह रहा है पुष्कराज है ये। टोपाज ये एक मौल्यवान पत्थर है। तो अलग प्रकार के मौल्यवान पत्थर, इसमें से ये सारी चीजें, अगर आप इसमें से पांच भी चीजें अगर आपके पास होगा तो आप करोड़पति होगा। इसमें पांच चीजें भी अगर आप रखेगा तो बहुत पैसे वाला आदमी आप हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें अय्यूब के जमाने में, अय्यूब इस सारी चीजों के बारे में जानता है, पुष्पराज पुष्पराज है। ओके, सही है, थैंक यू। तो ये अलग अलग प्रकार के पत्थर जो है मौल्यवान है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और ये आसानी से मिलता नहीं है, और ये भी खाई में जाने के बाद ही बहुत सारे चीजों को आपको मिलना पड़ता है। लेकिन आयुब कहता है कि बुद्धि का मोल मणिक से भी अधिक है, मतलब इन सारे चीजों से भी ज्यादा मौल्यवान है ये बुद्धि। तो क्या बुद्धि है, कौन सा बुद्धि के बारे में अय्यूब यहाँ पर कह रहा है, और वो हम लोग पढ़ते हैं 28 पद में, 28 अध्याय और 28 पद को जरा पढ़ो जोर से। तब उस ना मनुष्य ने कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हाँ, तो प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। तो आप अनपढ़ आदमी भी रह सकते हैं, लेकिन सबसे बुद्धिमान काम आप कर सकते हैं। आप शायद स्कूल भी नहीं गया होगा, लेकिन आप बहुत ही बुद्धिमान बन सकते हैं। जब परमेश्वर का भय, यहोवा का भय अगर आपके जीवन में है, आप करते हैं, तो आप सबसे बुद्धिमान बन सकते हो। आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा बुद्धिमान। कोई भी पीएचडी, डबल पीएचडी किया हुआ व्यक्ति से भी ज्यादा बुद्धिमान आप बन सकते हैं। अगर आप परमेश्वर का भय, यहोवा का भय या प्रभु का भय अगर आप मानते हो, तो यही सबसे बुद्धिमान चीज है। और उसी पद में ऐसा लिखा है कि बुराई से दूर रहना। 28 पद में बुद्धि का हम लोग कैसे लागू करते हैं, जो परमेश्वर यहोवा का भय रखते हैं वो बुराई से दूर रहता है। और इसी बात के जो है, अलग जगहों पर जब हम बाइबल व्यवस्था, क्या बोलते हैं, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय और 4 पद और फिर 6 पद। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सबके सब आज तक जीवित हो, सो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोग भी उन्हें समाने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वो इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। हाँ, तो अगर हम लोग बुद्धिमान ठहरना है तो वो 6 पद में लिखा है, वो 4 पद में हम लोगों को परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहना है, लिपटे रहना है परमेश्वर के साथ, लिपटे रहने से ही यही सबसे बुद्धिमान चीज मैं कर सकता हूँ। बुराई से दूर, बुद्धि का मतलब बुराई से दूर,
परमेश्वर यहोवा से लिपट के रखना रहना, और फिर इसी बुद्धि के बारे में भजन संहिता 111 और 10, साम 111:10। बुद्धि का मूल युवा का है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। अगर मुझे बुद्धिमान बनना है, अच्छा बुद्धि मुझे चाहिए, तो आज्ञाओं का मानना, आज्ञाओं का मानना है, और कौन से आज्ञाओं को मानना वो बाद में आप हमसे पूछे, हम बताएगा, पर लेकिन पर प्रभु का वचन जो लिखा हुआ यहाँ पर, इसको पालन करेंगे, इसको मानेंगे, तो यही सबसे बुद्धिमान चीज हम लोग कर सकते हैं। तो बुराई से दूर रहना, परमेश्वर यहोवा के साथ लिपट के रहना, और उनके आज्ञाओं को मानना, और आखिरी बार इस इसके बारे में लिखा है, ये नीति वचन 9:10, Proverbs 9:10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। अच्छा, पवित्र ईश्वर को जानना, वो परम पवित्र ईश्वर कौन है, द होली वन, हु इज दैट होली वन दैट वी नीड टू नो, वो होली वन प्रभु यीशु मसीह है, उसके बारे में और जानना है, और वही यूहन्ना 17:3 में प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग चीजें करेंगे, बुराई से दूर रहना, परमेश्वर यहोवा से लिपट कर रहना, उसके उनके आज्ञाओं को मानेंगे, और यीशु मसीह के बारे में और चीजें हम लोग सीखेंगे, और भी और जानना चाहिए, तो वही सारे चीज हमारे लिए सबसे बुद्धि का काम। ये चीजें अगर हम करेंगे तो पीएचडी से भी, कोई भी ग्रेजुएट से भी बड़ा चीज ये सारे चीजें है, और इसलिए हमारा कोशिश ये, हमारे बच्चे सबसे पहले प्रथम स्थान प्रभु को दे, उसके बाद स्कूल को, उसके बाद बाकी सारे चीजों के ऊपर ध्यान लगाना। प्रभु यीशु मसीह को अगर हम अपनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को अगर हमारे बच्चे भी जानेंगे, तो यही सबसे उत्तम चीज जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, ये सबसे बुद्धिमान चीज जो हम लोग पा सकते हैं, कि परमेश्वर का डर या परमेश्वर का भय मेरे जीवन में होना चाहिए। तो इस प्रकार से बुद्धि 28 अध्याय में लिखा है, और परमेश्वर का भय, यही सबसे बुद्धिमान चीज हम लोग कर सकते हैं, यहाँ अय्यूब कहता है। और चैप्टर 29 में जब हम जाएंगे तो अय्यूब याद करता है कि उसका पुराने दिन कैसे थे, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब कैसा मेरा जीवन चल रहा था। तो इसके विषय में हम थोड़ा सा देखेंगे, और जैसे हम पद स्क्रीन पे आएगा उन पदों को हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर 29:2, दो पद को जरा पढ़ो, 29 और 2। भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में ईश्वर मेरी रक्षा करता था। हाँ, जिन दिनों में ईश्वर मेरी रक्षा करता था, वो कह रहा है अय्यूब, उसको लग रहा है कि परमेश्वर अब मेरी रक्षा नहीं कर रहा है, पहले दिनों में प्रभु मेरा रक्षा कर रहा था, तो उस अय्यूब का ऐसा लग रहा है कि प्रभु मुझे भूल गया, प्रभु मुझे देखता नहीं, मेरा रक्षा नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये सच है? नहीं, परमेश्वर अभी भी उसके ऊपर नजर रखा है, उसको चिंता कर रहा है, वो जानता है कि क्या क्या घटना उसके जीवन में हुआ, परमेश्वर जानता है। तो अय्यूब ऐसा लग रहा, अय्यूब को ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर उसको भूल गया, और हम लोग कभी नहीं भूलना चाहिए, ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि परमेश्वर मुझे भूल गया, मुझे देख नहीं रहा है। कितना भी बड़ा संकट आने दो हमारे जीवन में, परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर है। और 3 पद में, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। तब परमेश्वर का ज्योति या परमेश्वर का प्रकाश उसके जीवन में लग रहा है, अभी वो अंधकार में है ऐसा लग रहा है, तब बीते दिनों में परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाता, हर चीज क्लियर होता था, अभी आते समय भी हम लोग आया था तो सारे ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन मिला, बहुत खुश आ रहा है, प्रभु के काम के लिए जा रहा है,
तो सब ग्रीन सिग्नल प्रभु ने हमको दिया वहां, जितना भी दार्जिलिंग दार्जिलिंग मोड़ पे ग्रीन सिग्नल मिला, उससे पहले भी का वहां ग्रीन सिग्नल मिला, हर मोड़ पे जैसे पहुंचता ग्रीन सिग्नल, वाह वाह खुशी से हम लोग आ गए। लेकिन कभी कभी हर जगह में 5 मिनट 10 मिनट लाल सिग्नल लगता है, बोला अरे यार हमको प्रभु का सेवा में जाना है कि लाल सिग्नल लग रहा है, और कोई आगे से आएगा आपका गाड़ी को ठोकेगा, फिर झगड़ा शुरू, ऐसा लग रहा है कि प्रभु हमारे साथ में नहीं है। लेकिन प्रभु हमेशा हमारे साथ में और हमेशा ज्योति वो दे रहा है। हालांकि अवस्था कभी कभी खराब हो सकता है, लेकिन प्रभु हमको कभी नहीं भूल सकता है। और आज हमने वो गाना गाया कि व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, यीशु मसीह में हम लोगों को ऐसा दोस्त मिलता है। और अय्यूब कह रहा है, 4 पद को जरा पढ़ो। वो तो मेरी जवानी के दिन थे जब ईश्वर की मित्रता मेरे चेहरे पर प्रकट होती थी। हाँ, परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर प्रकट होती थी। कितना अच्छा बात है, परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता कैसा था, एक मित्र के समान। मतलब जो कुछ भी दुख दर्द उसके दिल में था वो जाकर परमेश्वर को बताता, और परमेश्वर उसके बातों को सुनता था। तो परमेश्वर ऐसा ही आज भी हमारे साथ है, वो सबसे बड़ा मित्र है हमारा। और जो भी बच्चे उसको मिला था वो जानता था कि परमेश्वर का ही दान है। वो 5 पद में वो कहता है, जो परमेश्वर ने दिया हुआ मेरे बच्चे अभी नहीं है, पहले बच्चे मेरे सामने दौड़ते थे, खेलते थे, मुझे खुशी होता था मेरे अपने बच्चों को देखता था, अभी सारे बच्चे उनके मर गए, तो बहुत ही उदास लग रहा था। और तेल के बारे में भी लिखा है, 29:6 पढ़ो, 6 पद को। तब मैं अपने पंगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। हाँ, तो मक्खन जो है हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है, हर सुबह मक्खन बटर चाहिए उनको, और कभी कभी बटर नहीं है तो वो ब्रेड बिना बटर का खाना मुश्किल है। फिर अय्यूब भी कह रहा है, याद कर रहा है कि तब मेरे जीवन में बहुत ही इस प्रकार का तेल भरपूर था मेरे जीवन में, और तेल का वो ऐसा लग रहा है ही हैड अ ऑयल वेल, इज दैट द अंडरस्टैंडिंग देयर इन इंग्लिश, एंड द रॉक पोर्ड आउट फॉर मी स्ट्रीम्स ऑफ ऑयल, ओके, मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बह करती थी। मतलब जिस प्रकार से हम लोगों को पानी मिलता है, उसी प्रकार जब कुआं खोदते हैं तो तेल मिल रहा है उसको, बोल रहा वाह, तो तेल उस जमाने में भी उसका उपयोग किया करता था। आज भी मिडल ईस्ट में ही, सऊदी अरेबिया में, उस जगहों में जहां पर कुएं होते हैं, वो सारे तेल के कुएं होते हैं। लेकिन अय्यूब उस जमाने में, लगभग 4,000 साल पहले भी उस तेल के बारे में उसको पता था, और ये भी एक आशीष का कारण था उसके लिए, तेल उसको भरपूर मिल रहा था। एंड 7 पद को पढ़ो। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था। हाँ, तो उसका एक बैठने का विशेष स्थान था, पूरा गांव में भी जहां पर न्याय होता था तो अय्यूब का एक विशेष स्थान होता था, और ये एक सम्मान का एक स्थान होता था उसके लिए, और सब लोग इंतजार करता था अय्यूब जब आएगा तो वो न्याय सही प्रकार से भी सही प्रकार से करेगा, और इस प्रकार उसको एक सम्मान दिया जाता था। 8 पद को पढ़िए। हाँ, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पूरे उठकर खड़े हो जाते थे। तो अय्यूब एक उम्रदार व्यक्ति था, इसलिए उनको सम्मान दिया जाता था, और सम्मान के लिए तो नौजवान लोग भाग जाते थे डर के मारे, अरे अय्यूब आ रहा है हम लोग छिप जाएंगे। तो इस प्रकार का एक सम्मान अय्यूब को था। कुछ दिन पहले साकी मुंडा, उसका मामा के पास हम लोग गए थे, और उसका साकी मुंडा जो है वो जंगल का चौकीदारी का काम करता है,
और उसके भी बच्चे नौजवान बच्चे हैं उनके, तो वो हमको बता रहा था कि आज के नौजवान बच्चे बड़े लोगों का सम्मान नहीं करते। वो पुराने जमाने में हम लोग डरते थे अपने बाप दादा से, लेकिन आज के नौजवान बच्चे नहीं डरते, कोई सम्मान नहीं देता है बूढ़े लोगों को, और उनको बहुत दुख हो रहा था। और वो अपने ही बेटे के बारे में बता रहा था। देखो, लकड़ी को फटाने का काम नौजवानों का था, लेकिन अभी मैं बूढ़ा हो गया, अभी भी मैं लकड़ी को फटाता हूँ, मतलब उसको तोड़ता हूँ। चूल्हा के लिए जो लकड़ी का जरूरत है, भी बाप ही अभी तक कर रहा है। जब तक वो नहीं आता है, तब तक चूल्हा भी नहीं जलता है। नौजवान लोग ये काम करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है, खाली मोबाइल 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 के पीछे जा रहे हैं। तो ये गांव का आदिवासी आदमी हमको कह रहा है कि किस प्रकार से आज नौजवान लोग बूढ़े लोगों का सम्मान नहीं कर रहे, और बूढ़े लोग भी यही चाहते हैं कि नौजवान लोग उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। और हम भी भूलना नहीं चाहिए, हम अपने बड़े लोगों का आदर सम्मान करने के लिए, हमारे बाप दादा भी है, उनको उनको भी कैसे सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य है। उनका सम्मान रखना हमारा जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से अय्यूब कह रहा है कि नौजवान लोग उनका सम्मान करता था। 12 पद को पढ़ो, सॉरी, क्योंकि मैं दुहाई देने वाली दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। नाइन, वर्स 9 ऑल्सो प्लीज। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से वो मुंडे लेते थे। ओके, तो इस प्रकार का सम्मान अय्यूब को मिल रहा था। ही वॉज बींग रिस्पेक्टेड एंड ही वॉज ऑनर्ड, ही हैड अ पोजिशन टू सिट, और ये सब चीजें क्यों कर रहा था? न्याय भी सही प्रकार से वो करता था, अधिकार से वो बात करता था। और 11 पद को भी जरा देखो, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था। हाँ, तो उसके पीछे में बहुत सारे लोग थे, जो कुछ भी अय्यूब कहता था लोग सम्मान कर रहा था, उसका सुन रहा था, उसके जो कुछ भी बातें वो सुन रहा था, क्योंकि ज्ञान के शब्द ही उसके मुंह से बाहर निकल रहा था। और आज के दिन में भी ट्विटर या फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया में आपको फॉलोअर्स चाहिए, जो आप कुछ बोलेगा तो सबको लाइक करेगा, या बोलेगा आमेन बोलेगा, या प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, आपका जो कुछ भी वर्स आपने डालोगे आपको अच्छा है। मेरे पीछे में लोग हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे शाबाशी भी दे रहा है। लेकिन उस जमाने में सोशल मीडिया ऐसा ये कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अय्यूब को लग रहा था जब वो कुछ बोल रहा है तो लोग सुन, हाँ सही कह रहा है अय्यूब, सही कह रहा है, बिल्कुल बात सही बोल रहा है। तो अय्यूब को वो सारी चीजें याद है, उसको अच्छा लग रहा था उस सारी चीजें, अभी इसलिए वो इस सारी बातों को वो याद कर रहा था। लेकिन ये सारी चीजें जो है उसने बहुत मेहनत किया, ही हैड अर्न दिस रिस्पेक्ट, ये जो सम्मान उसको मिल रहा है ये खाली सम्मान नहीं है, उसने बहुत मेहनत किया था। और वो क्या क्या मेहनत किया था वो बता रहा है। वो 12 पद हमने पढ़ लिया, वहां पर 12 पद में उन्होंने गरीबों का छुटकारा किया, ही डिलीवर्ड द पोर, क्योंकि मैं दोहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था, उनको बचाता था, जो अनाथ है उनको भी वो बचा रहा है, और जो मरने वाले हैं, मरने वाले बिस्तर पर लेटा है ऐसा इंसान उसको जाकर मिलता था, और वहां जो मरने वाला आदमी वो खुशी से उसको आशीर्वाद भी देता था। तो वो ऐसे बीमार लोगों को, जो गरीब है, जो अनाथ है, उन सब का वो ख्याल रखता है, उनको मदद करता है, विधवाओं का मदद करता है, वो 13 पद में हम लोग देखते हैं, और न्याय भी वो करता है। ये 14 पद पढ़ेंगे थोड़ा सा, वर्स 14। मैं
धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढाके रहा, मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। वो सुंदर पगड़ी जैसे सरदार लोग, सरदार जी लोग पहनते हैं, पंजाबी लोग आपने देखा होगा पगड़ी पहनते हैं, वो एक सम्मान का एक चीज था उस जमाने में, 2000-4000 साल पहले। तो अय्यूब को वो सम्मान का पगड़ी भी उसको दिया जाता था, क्यों? ताकि वो न्याय करे, सही प्रकार का न्याय करना है, इसलिए वो कर रहे। और अंधे लोगों को वो आंखें था, he was eyes to the blind, और लंगड़े के लिए वो आ, आ, उसके पांव बने, लंगड़े लोगों को भी उसने मदद किया। और जो verse 16, shall we read that? दरिद्र लोगों का मैं पीता ठहरता था और जो मेरी पहचान का न था उसके मुकदमे का हाल में पूछताछ करके जान लेता था। दरिद्र लोगों का पिता था, he was the father to the needy, फादर टू द नीडी। तो जो कुछ भी वो कर रहा है, परमेश्वर ने ये चीजें उसको सिखाया था, और जैसा परमेश्वर चाहता था वैसा ही वो अपने जीवन में वो कर रहा है। तो इतने अच्छे अच्छी चीजें वो कर रहा है। और 16 पद में भी वो भी हमने पढ़ा कि वो एक प्रकार का डिटेक्टिव, मतलब छानबीन करता था, खोज करता था कुछ अन्याय हुआ है कि नहीं। तो अन्याय अगर हुआ तो वो खोजेगा कहाँ, कैसे ये अन्याय हुआ। तो जैसा पुलिस खोज करते हैं चोर को ढूंढने के लिए या कुछ अन्याय हुआ है, तो उसी प्रकार का काम भी अय्यूब ने किया। तो ऐसे ही वो ये सम्मान पाया नहीं, इतने सारे अच्छे अच्छे काम करने के बाद ही उसको ये आदर और सम्मान उसको मिल रहा है। और जब ये करता है तो उसका अपेक्षा क्या है? अय्यूब कह रहा है मैंने इतने सारे अच्छे काम मैंने किया, और इतने सारे गरीबों का मदद किया, विधवाओं का मदद किया, अनाथ बच्चों का मैंने मदद किया, तो क्या होना चाहिए? तो वो कहता है कि 18 पद में कहता है कि शांति से मैं अपने घर में बूढ़ा बनकर मैं मरना चाहता हूं, ऐसा वो अपेक्षा कर, शांति से मैं अपना जीवन को जीकर अपने घर में ही मरना, कहीं बाहर नहीं, घर में मरना उनके लिए एक शांति का चिन्ह था कि अच्छा जीवन जीकर वो अपने घर पे ही मरेगा। 18 पद में हम लोग देखते हैं, और वहां उसी पद में लिखता है कि एक लंबी आयु भी होना चाहिए, अ लॉन्ग लाइफ। लंबी आयु मिला मतलब वो आदमी बहुत ही अच्छा काम किया है, इसलिए उसको लंबा आयु मिला है करके लोग सोचते थे। तो लंबा आयु उसको चाहिए। और 29 वर्स 19 पद को जरा पढ़ो। मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी। तो ये जल और ओस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये क्या है? व्हाट इज दिस वॉटर एंड ड्यू दैट इज टॉकिंग अबाउट? तो इसको समझने के लिए होशिया इसका 14 अध्याय 5 और 7 जरा हम देखेंगे। वॉट इज दैट वॉटर एंड ड्यू? 14 अध्याय 5 से लेकर 7। मैं इज़राइल के लिए ओस के सामान ढूंढूंगा, वह ओशन की नई फूले फलेंगे और लबनान की नई जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूटकर निकलेंगे, उसकी शोभा जलपाई की सी और उसकी सुगंध लोमड़ान की जैसी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न की नाई बढ़ेंगे, वे दाखलता की नाई खुले फलेंगे और उसकी कृति लबनान के दाख मधु की सी होगी। ठीक है, तो वह जल और ओस के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर खुद है, परमेश्वर खुद वो ओस उसके ऊपर आएगा और उसको आशीर्वाद देगा। तो ये ओस और जल मतलब परमेश्वर उसको आशीर्वाद दे रहा है, इतना ही हम लोग समझ सकते हैं कि परमेश्वर उसको आशीर्वाद दे रहा है। और वो कुछ महिमा भी चाहता है, जो कुछ भी वो कर रहा है, मुझे कुछ मेरा सम्मान तो है लेकिन मेरा महिमा भी इस काम में है, ऐसा वो 20 पद में वो बोलता है। थोड़ा वापस आइए 29 वर्स 20।
मेरी महिमा ज्योति त्यों बनी रहेगी और हाँ मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया होता जाएगा। हाँ तो उसमें उसका कार्य, उसका एक महिमा था, ये अय्यूब कह रहा है। और उसका शक्ति उसके साथ बना रहेगा करके वो सोचता है, उसी 20 पद में हम लोग देखते हैं। और बुद्धि भी उसका बढ़ेगा, ये उसका सोच है। जो कुछ भी वो कर रहा है, ये सारी चीजें एक आशीर्वाद का कारण उसके जीवन में आएगा। महिमा, शक्ति, बुद्धि और अधिकार, अधिकार एक राजा के तरह वो अधिकार करेगा। 25 पद को पढ़िए लास्ट। मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य ठहर कर बैठा करता था, और जैसा सेना में राजा व विलाप करने वालों के बीच शांतिदाता वैसे ही मैं रहता था। हाँ तो एक राजा के तरह वो रहेगा करके वो सोचता था। और ये उसका अच्छा काम के वजह से ये सारे चीजें उसको मिलेगा, उसको सोच रहा है। लेकिन 30 अध्याय में जब हम आते हैं, वो पहला पद में वो शब्द है परंतु। अब इन चैप्टर 30 वी सी दैट बट नाउ, मतलब जो अपेक्षा कर रहा है कुछ और ही मिल रहा है। 30 अध्याय और 26 पद को पढ़िए। जब मैं कुशल का मार्ग होता था तो विपत्ति आ पड़ी, और जब मैं उजाले का आसरा लगाया था तब तो अंधकार छा गया। हाँ तो व्हेन आई एक्सपेक्टेड गुड देन ईविल केम, व्हेन आई वेटेड फॉर लाइट देन डार्कनेस केम, ये अय्यूब कह रहा है। तो अय्यूब बहुत सारा अच्छे अच्छे चीज का अपेक्षा कर रहा था कि ये मैं अच्छा हूं, इतना सब मैंने लोगों का मदद किया तो मेरे जीवन में अच्छा भला होना चाहिए और मेरा बुद्धि बढ़ना चाहिए, लेकिन उल्टा ही हो रहा है। और क्या क्या हो रहा है हम लोग देखते हैं। 30 अध्याय और पहला पद में हम लोग देखते हैं कि उसका मजाक उड़ाया जाता है। और फिर 2 पद में हम लोग देखते हैं कोई शक्ति नहीं रह गया। फिर वो 3 पद में हम लोग देखते हैं, 30 अध्याय 3 पद में वो भूखा है। He's very, very hungry. Just read that verse. वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं, वे अंधेरे और सुनसान स्थानों में सुखी धुन उठते हैं। हाँ तो वो अपने बारे में कह रहा है कि दरिद्र और काल के मारे तो दुबले पड़े हैं, बहुत ही दुबला हो गया है अय्यूब। और क्या खा रहा है, ये मैलो फ्लावर्स इंग्लिश में है, मैलो फ्लावर्स एंड द रूट ऑफ ब्रूम श्रब। अभी धनिया पत्ता का साग आपने देखा होगा, तो धनिया पत्ता का जो मूल, द रूट ऑफ इट, वो ऐसा ही वो खा रहा है, ये उसका खाना है। और बहुत ही भूखा पड़ा है अय्यूब। और वो गांव से उसको बाहर निकाल दिया गया, वो 30 अध्याय 5 पद में हम लोग देखते हैं। और मूर्ख लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर 16 से 21 जब हम पढ़ते हैं, वो अय्यूब डिप्रेशन में चला जाता है। उसका डिप्रेशन के बारे में वहाँ वो स्पष्ट लिखता है कि माई सोल इज पोर्ड आउट विद इन मी, वो 16 पद में कहता है। और 17 पद में कह रहा है कि देर इज नो रेस्ट, आई हैव नो रेस्ट। 19 पद में हम लोग देखते हैं आई हैव बिकम लाइक डस्ट, मतलब धूल के समान में बन गया। और 20 पद में ऐसा लिखता है, हिंदी में ऐसा लिखा है कि मैं तेरी दुलाई देता हूं, मतलब ये आयु परमेश्वर को कह रहा है, मैं तेरी दुलाई देता हूं परंतु नहीं सुनता, मैं खड़ा होता हूं परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। और उल्टा वो कह रहा है कि परमेश्वर उसका तू बदल कर मुझ पर कठोर हो गया और अपने बलि हाथ से मुझे सताता है। परमेश्वर उसको सता रहा है करके वो कहता है। तो अय्यूब बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है। और कोई सांत्वना उसको अपने मित्रों से, उसके परिवार से, उसके पड़ोसियों से, उसके गांव के लोगों से कोई सांत्वना नहीं मिल रहा है। और वो जंगली जानवरों के साथ रह रहा है। और ये 30 अध्याय और 30 पद में ऐसा लिखा है कि मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है और तप के मारे
मेरी हड्डियां जल गई। तब मतलब उसको बुखार, ही हैज अ फीवर, और तब के मारे वो बीमार अवस्था में गिरा। इतना भला काम करने के बाद भी उसको ऐसा संकट मिला। आई जस्ट फिनिश विद दिस स्टोरी। जूलियन ये एक जर्मन लड़की है, और 1972 में एक एरोप्लेन क्रैश में उसके माँ और जितने लोग उस हवाई जहाज में था सब सब मर गए, लेकिन ये अकेली बच गए। उसमें 90 लोग के आसपास थे उस हवाई जहाज में, केवल यही जूलियन बची। 10,000 फीट का ऊंचाई से वो गिरी, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा जो हवाई जहाज उड़ता है उस उतने ऊंचाई से वो गिरी, लेकिन बच गई। और उसका माँ भी मर गई। फिर बचने के बाद वहां पर जो सामान गिरा था वहां से उसको कुछ खाने के लिए मिला, क्योंकि सूटकेस वगैरह जो भी था सब खुल गया, तो वहीं से कुछ चीजें खाने लगा। और ये अमेजॉन जंगल में ये हवाई जहाज गिर गया, और 11 दिन उसको पैदल चलना पड़ा। तो उसने उसका पिताजी ने एक चीज उसको सिखाया था कि देखो जो नदी है तुम नदी के किनारे किनारे चलते रहो, क्योंकि एक छोटा नदी बड़ा नदी बन जाता है, और वो बड़ा नदी शहर का या गांव के पास आ जाता है, तो तुम कभी खो नहीं पाएगी, जंगल में कभी खो नहीं जाएगी। इस प्रकार नदी के किनारे ही चलते रहो, वॉक बाय द स्मॉल रिवर, द स्मॉल रिवर विल मीट अ बिगर रिवर, द बिगर रिवर मीट इन टू अनदर बिगर रिवर, एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड अ विलेज और यू विल फाइंड अ टाउन। तो वो बात उसके जो पिताजी ने उसको सिखाया था वो करके करके वो 11 दिन पैदल चला जंगल में अकेली। और ये 17 साल की लड़की है, 17 साल की लड़की है, और 11 दिन बस कुछ ही चीज जंगल में कुछ चीज खा खा के वो जिंदा रहा। और एक 11 दिन 11वां दिन में जब हुआ तो उन्होंने एक नाव को देखा। जब नाव को देखा समझ गए यहाँ कोई लोग हैं, तो वो लोग को ढूंढने गया। और वो जंगल में आदिवासी लोग थे, और वो आदिवासी लोग दो लोगों को उन्होंने देखा, दो पुरुष को देखा, और जैसे उन्होंने देखा वो सोचा कि ये दोनों भी स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर ने उनको भेजा, और वहां पर वो गिर पड़ी। और वो आदिवासी लोग समझ गए अरे ये तो किसी दुर्घटना में फंसी थी, हम उसको मदद करेगा। और वो दो लोगों ने अपने नाव में शहर में लेकर गया और उसका जान बचा दिया, लेकिन वो बोला ये दो आदिवासी लोगों ने मेरा जान बचाया, और ये दो आदिवासी लोग मेरे लिए स्वर्गदूत थे, उन्होंने मेरा जान बचाया। और वो प्रश्न अभी भी ये जिंदा है। वो कहती है ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि मैं क्यों बच गया, व्हाई डिड आई सर्वाइव, और उसके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन वो कहती है कि इसका उत्तर सिर्फ परमेश्वर के पास है। द आंसर इज ओनली इन द सुपरनेचुरल, इट इज नॉट इन द नेचुरल। कि इतना ऊंचाई से इतना बड़ा दुर्घटना में कोई बचता नहीं है, लेकिन मैं बच गया। और अयुब का जीवन में भी जो कुछ भी दुर्घटना हुआ, जो कुछ भी समस्या हुआ, ये मनुष्यों के पास उसका जवाब नहीं है, केवल परमेश्वर के पास है। और उसी प्रकार आज भी अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसा समस्या है, सारे जवाब सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है, केवल परमेश्वर के पास ही उन सवालों का जवाब है। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।